साथियों, मार्केट ओपन होने वाला है, तब तक हम लोग कुछ एनालाइज़ कर लेते हैं निफ्टी फिफ्टी को कि मार्केट मुख्य रूप से बुलिश ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पे तीन आपको लाइन दिख रहा है। ये लाइन क्या क्या चीज़ का और कहाँ कहाँ से हमने लगाए हैं। ये जो सबसे पहले सबसे ऊपर का जो लाइन दिख रहा है, ये ऑल टाइम हाई का लाइन है, जिसे एक रेजिस्टेंस है। ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। ये जो बीच वाला जो सिकेंड लाइन है, ये मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है इसके लिए है। एंड ये लास्ट है जो पिछले डे का स्विंग हाई है। ये चीज़ें हैं एंड हाई है जो पिछले डे का, ठीक है। तो पिछले डे का जो हाई है, इसे हमने मार्क करके रखे हुए हैं। अब यहाँ से मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद अगर मार्केट 20,230 से 34 के आसपास, जब तक इसके ऊपर हमें कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग कॉल में एंट्री नहीं बनाएंगे। एंड अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या सपोर्ट लेता है, 20,155 के आसपास सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा। ये सारे चीज़ आपको मार्केट ओपन होने के बाद पता चलेगा। तो चलिए हम लोग वेट कर लेते हैं एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, तो देख लेते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी हम लोग हैं। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को ये देखना है कि मार्केट बुलिश जो रैली है, इस बुलिश रैली को कंटिन्यू करता है या यहाँ पे किसी भी सेलर का प्रेशर बनता है। ये सारे चीज़ देखने को तो ज़रूर मिलेगा। तो चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि जस्ट मार्केट ओपन होने वाला है, सभी सेटअप रेडी हैं। साथियों, मार्केट गैप ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पल्ले में ज़रूर है, सही है। लेकिन आगे ऊपर थोड़ा सा एक छोटा समय रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते हैं, तो बहुत कम प्रॉफिट का, मतलब बहुत ही कम मार्जिन यहाँ पे मिल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट है कॉल साइड का ही, लेकिन थोड़ा बड़ा मूवमेंट आपको तब मिलेगा जब ये 20,230 से ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करेगा, 33,34-35 के आसपास। तो एक अच्छा सा मूव आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए यहाँ पे, क्योंकि मार्केट, हमें लग रहा है कि मार्केट जरूर बुलिश मूवमेंट में है, लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस है। तो सेलर हावी कब होते हैं, अगर यहाँ पे अगर सेलर हावी होते हैं एंड इसे मार्केट ब्रेक करता है, इस लो को अगर मार्केट ब्रेक करता है, 20,187 को अगर ब्रेक करता है नीचे, तो फिर मार्केट एक छोटा सा आपको फॉल दिखेगा, जो कि लगभग 30-40 पॉइंट के आसपास मार्केट ये 20,157 के आसपास आपको जाते हुए नीचे भी दिख जाएगा। तो नीचे, इसके नीचे अगर मार्केट आएगा, तो फिर हम लोग सेलिंग का सोचेंगे। एंड अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है 20,234 के आसपास, तब जा करके हम लोग कॉल में एंट्री बनाएंगे। थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं कि मार्केट में किसका बॉल वाला है, या बुल का या बियर का। अगर बुल सर्टिफाइड, क्योंकि कंटिन्यू बुल अभी भी लगातार चल रहे हैं, अगर बुल का बियर वा आज भी रहेगा और बियर आज भी हारेंगे, तो फिर हम लोग बुल के साइड में चलेंगे। अन्यथा देखते हैं मार्केट में क्या होता है। ये 5 मिनट का कैंडल को हम लोग क्लोज करने देते हैं, चूँकि मार्केट काफ़ी ऊपर आ चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट तो करना बनता है। थोड़ा सा वेट करेंगे एंड इसको अगर मार्केट ब्रेक करेगा, तो फिर हम लोग देखेंगे कि किस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है। अभी तो फिलहाल बुलिश मूवमेंट में ही है, चूँकि अपना सेटअप स्मार्ट सेटअप कहता है अगर गैप अप मार्केट ओपन हो रहा है एंड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये मार्केट ऊपर जाएगा, ये तय है, और ऊपर जा भी रहा है। उस सेटअप से भी लोग अच्छा खासा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, डोंट वेरी। बट थोड़ा सा एक ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करेगा मार्केट, तक बड़ा सा मूव आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि स्मार्ट सेटअप अपना सब दिन चलता है और अच्छा ट्रेड करता है, स्मार्ट सेटअप आज भी दिख रहा है कि मार्केट बुलिश मूवमेंट में है, तो स्मार्ट सेटअप के हिसाब से आज भी मार्केट कॉल में एंट्री दे चुका है। बट हमने अभी एंट्री इसलिए नहीं लिया है कि चूँकि यहाँ पे हमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो कि थोड़ा कम पॉइंट का है। तो इस इतना छोटा कम पॉइंट में मुझे नहीं लग रहा कि कुछ हो पाएगा ना, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं और 20,200 का कॉल लेंगे, ताकि बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा। 20,200 का हम लोग कॉल लेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट प्रोवाइड होगा। तो देखते हैं जैसे इस कैंडल को ब्रेक करता है एंड उसके बाद अपना एंट्री होगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करना चाहिए, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है, तो फिर हम लोग आज ट्रेड कॉल साइड में तब तक नहीं डिसाइड करेंगे जब तक कि उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है। तो वेट करते हैं।
किसका बोलबाला है, बियर का या बुल का, देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं। स्मार्ट सेटअप के हिसाब से दो चार 10-20 पॉइंट के आसपास तो मिला ही है मार्केट में, बट 20 पॉइंट हमारे अनुसार कुछ ज़्यादा है नहीं, तो थोड़ा सा लग रहा है कि बियर का ही बोलबाला है, लेकिन इसमें फंसना नहीं है, क्योंकि जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक कन्फर्म वाली बियर जो है ये हमें नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे बुल का भी काफ़ी अच्छा, यानी कि बुल के साइड में काफ़ी अच्छा बेहतरीन अभी भी मार्केट चल रहा है। तो बियर बुल दोनों यहाँ पे डिसाइड होगा कि यहाँ पे किसका बोलबाला है। ये जो ऑल टाइम हाई है, इस हाई के पास दोनों का बोलबाला देखेंगे हम लोग कि किसका बोलबाला है, कॉल का यानी कि बुल का या बियर का। अब देखिए यहाँ पे मार्केट अभी भी अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश तो कर रहा है, देखिए अगर ब्रेक करता है तो फिर देखते हैं ये लोग यहाँ पे क्या इसके ऊपर अभी बुल हावी है या नहीं है। तो ये तो बुल के अभी पल्ले में मार्केट है, बुल के पल्ले में मार्केट है, लेकिन इसको थोड़ा ब्रेक करता तो एक बड़ा मूव देखने को मिलता है, यहाँ से बड़ा मूव यहाँ से देखने को मिलेगा, लेकिन जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से मुख्य रूप से दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करें फिर हम लोग एंट्री बनाते हैं। रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ब्रेक करने दीजिए तो बड़ा मूव एक हम लोगों को मिलेगा, अच्छा सा मूव मिलेगा, बट ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करें उसके बाद, जब तक रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे इसमें, क्योंकि बड़ा मूव तब मिलेगा ना जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, नहीं था बड़ा मूव अभी तो नहीं मिलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग से देख लिया जाए तो मार्केट ओपन हुआ और कॉल के साइड में लगभग 20-22 पॉइंट का मूव दिया है, तो ये 20-22 पॉइंट के आसपास में हमें तो कुछ नहीं हुआ, और तो इसलिए हम लोग कन्फर्म थोड़ा लंबा पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमें ऊपर थोड़ा सा दिख रहा है, और देखते हैं क्या होता। अभी तक तो फिलहाल बुल का ही यहाँ पे बोलबाला चल रहा है, लेकिन वहाँ पे बियर है। अब ये देखना है हमको क्या ये बुल ताकतवर है या नहीं है, अगर ताकतवर होगा तो उस बियर को हराएगा, और जैसे हराएगा फिर वहाँ से मार्केट कॉल में मूव कर जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ से मार्केट गिर जाएगा। तो देखते हैं किसका यहाँ पे बोलबाला होगा, बुल का या बियर का। अभी एंट्री बनाना लॉन्ग पोजीशन के लिए सही नहीं होगा, अभी एंट्री लॉन्ग पोजीशन के लिए हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, इसलिए लॉन्ग पोजीशन के लिए एंट्री नहीं बना सकते हैं, तो वेट कर लेते हैं। आप लोग बियर के साइड में तब आएंगे ना, मान लिया जाए कि अगर बियर के साइड में आपको छोटा सा एक मूव मिलेगा आपको 30-40 पॉइंट के आसपास, जब ये 20-188 के जब ब्रेक होगा ना, तो यहाँ से आपको एक मूव मिल जाएगा, यहाँ लगभग लगभग आपको यहाँ पे मूव मिल जाएगा 20-152 के आसपास, ठीक है। तो बियर के साइड में हम लोग यहाँ से चलेंगे, इसके नीचे जो आएंगे मार्केट तब हम लोग बियर के साइड में चलेंगे, अन्यथा हम लोग अभी देखेंगे। और बुल के साइड में कब चलेंगे, जब ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है और कोई भी कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम लोग बियर के साथ में चलेंगे। तो वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है मार्केट में। देखिए हम पहले से ही बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। अब देखते हैं कि ये इनडिसीजन कैंडल अभी आपके सामने जस्ट दिख रहा है, इनडिसीजन कैंडल है ये डॉजी कैंडल है, ठीक है। अब मार्केट इस कैंडल को ऊपर ब्रेक करता है या नीचे ब्रेक करता है, फिर यहाँ से एक छोटा सा मूव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें कि पुट में हम लोग इसके नीचे जा कर के एंट्री बनाएंगे एंड कॉल में हम लोग इसके ऊपर की क्लोजिंग के बाद एंट्री बनाएंगे। तो देखते हैं मार्केट अभी तक कॉल या पुट में एंट्री तो नहीं दिया, लेकिन स्मार्ट सेटअप से जो लोगों भी किए होंगे तो उनको लगभग 10-20 पॉइंट के आसपास मार्केट उनको दिए, क्योंकि जहाँ से मार्केट ओपन होता है गैप अप, एंड गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो कॉल में एंट्री बनाते हैं। और आप वहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ने गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है और यहाँ पे एंट्री बनाता है, तो कहीं ना कहीं अच्छा मार्केट बुल के पल्ले में है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं।
अब यहाँ पे दिख रहा है कि बुल ज़्यादा हावी है, बुल में दम है, बुल में दम है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर की क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर की क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर की क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं। एंड तब तक हम लोग चलते हैं प्राइस में कि देखते हैं कि अब 20-200 का प्राइस का क्या मूव। अब देख लीजिए कि 20-200 का कॉल हमने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। एंड जैसे अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, जैसे मार्केट इसको ब्रेक करता है 173 के ऊपर, तो फिर हम लोग कॉल में एंट्री बनाएंगे 173 के ऊपर, ध्यान रखेंगे 173 के ऊपर। ओके, तो जैसे मार्केट इसको ब्रेक करता है ये प्राइस, यानी कि 173 से अगर 174 हो जाता है तो फिर यहाँ पे एंट्री बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पे एंट्री बनता है तो अपना SL आ जाएगा 165। ओके, 165 अपना SL बन जाएगा, ठीक। लेकिन इसको ब्रेक करेगा तब एंट्री बनाएंगे, जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग। मार्केट अभी तक इसके ऊपर तो गया है लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगा ना तब तक हम लोगों को दिक्कत है। तो हम लोग क्लोजिंग का इंतज़ार करते हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग का इंतज़ार करते हैं, इसके ऊपर की कोई भी हमें क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर अगर कोई भी क्लोजिंग मिल जाएगा तो फिर हम लोग कॉल के साइड में चलेंगे एंड बाई करेंगे 20-200 का कॉल 175 रुपये के आसपास, 174 पॉइंट कुछ, यानी कि 175 रुपये के आसपास हम लोग बाई करेंगे। लेकिन तब तक, जब तक इसके ऊपर कोई भी हमें क्लोजिंग नहीं मिलता है तब तक नहीं बाई करेंगे। और प्राइस एक्शन में हमने दिखा दिया है, प्राइस अगर उसका 175 को यानी कि 74+ होगा तो फिर हम लोग बाई करेंगे। तो देख लेते हैं ऑल टाइम हाई के पास है तो मार्केट कैसे मूव कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, लगभग मार्केट की क्लोजिंग तो लग रहा है कि इसके ऊपर अब मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन बुल यहाँ पे हावी है। तो देखते हैं अगर ये कैंडल क्लोजिंग देता है तो फिर हम लोग एंट्री बनाएंगे 20-200 के कॉल में, हम लोग एंट्री बनाएंगे और देखते हैं क्या होता है, क्या क्लोजिंग मिलती है या नहीं मिलती है। अभी तक तो फिलहाल नहीं मिली है, अभी तक प्राइस भी इसके पास नहीं गया है। तो जैसे कॉल का प्राइस इसके ऊपर निकलेगा ना, इसके ऊपर 173 है ना, 174+ निकलेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। तो देख लेते हैं 174+ जाता है या नहीं जाता है, जब तक नहीं जाएगा तब तक हम लोग कॉल साइड में भी एंट्री नहीं बनाएंगे और पुट साइड का तो सोचना भी नहीं है ना। तो पुट साइड का अभी तक नहीं सोचेंगे क्योंकि कॉल साइड का सोच रहे हैं, तो कॉल साइड इसके ऊपर जाएगा उसके बाद एंट्री बनाएंगे, उससे पहले एंट्री नहीं बनाएंगे। मार्केट का क्लोजिंग भी हमें चाहिए एंड उसके बाद हमें इसके ऊपर के प्राइस आना चाहिए, इसके ऊपर अगर प्राइस आएगा तो फिर हम लोग एंट्री बनाएंगे, क्योंकि आज प्राइस थोड़ा कम बढ़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग है, फर्स्ट डे है, तो थोड़ा सा प्राइस कम बढ़ेगा तो इसलिए इसके ऊपर ही हम लोग एंट्री बनाएंगे, उससे पहले एंट्री नहीं बनाएंगे। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, देखते हैं क्या होता है मार्केट में। अभी भी मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, जब तक हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे, हम लोग देखेंगे। और हम यहाँ पे मज़े लेंगे कि बुल हावी है या बियर हावी है, बस देख। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रही, हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, लेकिन क्लोजिंग मिल नहीं रही है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, क्लोजिंग तो मिली नहीं लेकिन शूटिंग स्टार कैंडल बन गया। अभी यहाँ पे दिख रहा है कि फिर से सेलर हावी हो गया, अभी यहाँ पे दिख रहा है कि सेलर हावी हो गया सेलर। अब देखते हैं क्या ये सेलर कंटिन्यू करते हैं मार्केट को या नहीं, देखते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल हमें दिख रहा है और यहाँ पे जितने भी लोग इस ब्रेकआउट पे लिए होंगे सब लोग ट्रैप हो गए। ये जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक हम लोग इसको कन्फर्म नहीं करते। और यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बन गया और शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिख रहा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है मार्केट में। अगर बियर के पल्ले में हम लोग चलेंगे तो इसके नीचे चलेंगे, क्योंकि इनके नीचे थोड़ा सा प्राइस हमको मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट बुल के हाथ में है। तो बियर के साइड में तब चलेंगे जब 20-188 के नीचे मार्केट आएगा, अन्यथा बुल के साइड में हम लोग तब चलेंगे जब इसके ऊपर हमें कोई क्लोजिंग मिलेगा। प्राइस तो उसके ऊपर गया है लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली हमें, तो उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी तो फिर दिक्कत है, फिर यहाँ पे दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है शूटिंग स्टार कैंडल काम करते हुए, तो यहाँ पे और भी सेलर लोग ऐड हो रहे हैं। अब ये देखना है कि ये जो सेलर ऐड हो रहे हैं क्या ये ऐड
सिलट रैप होगा या नहीं, देखते हैं क्या होता है। अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग जब तक नहीं मिलेगा इसके ऊपर, और देन इसको शूट करनी चाहिए 20237 को। अगर मार्केट शूट करता है, इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग मिलती है, फिर हम लोग कॉल साइड में फिर से एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक नहीं, जब तक वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। कॉल के साइड में हम लोग तय करके रखे हुए हैं 20200 का कॉल है, एंड पुट साइड में एंट्री बनाना हो तो 20300 का पुट है, ठीक है, पुट साइड में एंट्री। लेकिन पुट में एंट्री हम कब बनाएंगे, इसके नीचे 20188 के नीचे हम लोग पुट में एंट्री बनाएंगे, एंड कॉल में एंट्री बनाएंगे। इसके ऊपर कोई भी हमें कैंडल मिल जाएगा तो फिर हम लोग क्लोजिंग में पे, तो फिर हम लोग कॉल में एंट्री बना लेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुट में एंट्री बनाए होंगे, लेकिन परफेक्ट सेटअप नहीं है। मैं मानता हूँ ये ठीक है, ये वर्क करेगा, ये अच्छा वर्क कर सकता है, लेकिन ये बुल के हाथ में है। तो इस कैंडल पे बहुत सारे लोग अभी पुट में एंट्री बना लिए होंगे, क्यों, क्योंकि शूटिंग स्टार टॉप में बन गया है ना। तो कहीं ना कहीं ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इस कैंडल को अगर क्लोजिंग मिल लेती, अगर क्लोजिंग मिलता तो थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है। अगर ये कैंडल क्लोज करते हैं तो फिर यहाँ पर छोटा सा एक रिस्क होगा, और आपके इसके यहाँ पर आपका रिस्क बन जाएगा छोटा सा, और आपको यहाँ पर भी रेशियो मिल सकता है, लेकिन प्राइस उतना मूव नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर था और दिख रहा है सेलर है, तो मार्केट नीचे आ सकता है। और कैंडल अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं पुट के लिए भी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेलर ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है, और इस वजह से यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल भी बना है, और मार्केट यहाँ से नीचे भी आ रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट में वहाँ पे जो सेलर था वो एक्चुअल में हावी है, एंड यहाँ पे कैंडल एक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट अब 20300 का पुट निकाल कर रखना है। इसके नीचे अगर जाता ना बहुत अच्छा फॉल करेगा, ये बीच में ट्रैप है, ये बीच में ट्रैप है। जो भी लोग पोजीशन बनाए होंगे 2-4-10 पॉइंट के लिए तो ठीक है, लेकिन आपको एक लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो ये बीच में ट्रैप है, इस बीच में ट्रैप है, इस बीच में आप अगर फंसेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए इस बीच में फंसने से अच्छा है कि वेट करें, देखें, है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे बनाए होंगे नो डाउट, बहुत सारे लोग इस कैंडल को देख करके बनाए होंगे कि यहाँ पे सेलर है, एंड यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना और शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में मार्केट का ट्रेंड बुल के हाथ में, मार्केट का ट्रेंड ऑफ है। तो इस चक्कर में यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट का जब ट्रेंड ऑफ है तो फिर ये डायरेक्शन हमें इसके नीचे कराता है, तो फिर हमें लगेगा कि नहीं एक्चुअल में बियर हावी है। जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक हमें नहीं लगेगा कि एक्चुअल में बियर हावी है, क्योंकि इसके नीचे जितने भी लोग लिए होंगे उसको 2-4-5-10 पॉइंट मिला होगा, और कुछ कोई लोग निकले नहीं होगा, क्योंकि सबका एसएल अब यहाँ और इसके आसपास बनेगा। तो जितना लोग इसमें ऐड होंगे सबका एसएल इसके आसपास बनेगा, ठीक है। तो ये सबका जो एसएल जाएगा तो फिर कॉल में बहुत अच्छा एक मूव मिलेगा आपको। तो वेट करना है, देखना है, और इसके ऊपर की हमें क्लोजिंग चाहिए। अब ये चला जाएगा 20237 के ऊपर की क्लोजिंग, और नीचे की बात किया जाए तो हम लोग वेट करेंगे, देखेंगे। अगर बियर कन्फर्म हावी है तो 20188 के नीचे फिर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मूव, अगर इसके नीचे मार्केट आता है, क्योंकि अभी क्लोजिंग तो लग रहा है कि ये कैंडल एक्टिव होते हुए दिख रहा है, एंड ये कैंडल अगर एक्टिव होता है और इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से एक मूव हमको मिलेगा अच्छा खासा। तो यहाँ पे कैंडल क्लोज तो हुआ, लेकिन देखिए इस कैंडल में भी हमें बायर दिख रहा है, इस कैंडल में सेलर दिख रहा है और इस कैंडल में बायर दिख रहा है। अब यहाँ से क्या लिया जा सकता है, नहीं कॉल का आप सोच सकते हैं, नहीं हाल हमें पुट को सोच सकते हैं, और ये भी कैंडल अगर ब्रेक होता है 20211 भी ब्रेक होता है तो फिर आप यहाँ पे सोचेंगे कि चलो ठीक है देख लेता हूँ कैसा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस कैंडल में दिख रहा है बायर और इस कैंडल में दिख रहा है सेलर, तो ये सब ट्रैप एरिया है, ये सब टोटल का टोटल ट्रैप एरिया है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। तब मार्केट इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग मिलेगी फिर हम लोग कॉल साइड में चलेंगे, कॉल साइड में 20200 का कॉल एंड पुट साइड में 20300 का पुट, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग एटीएम को बना करके रखे हैं, देखते हैं कहाँ एंट्री मिलता है, कॉल में या पुट में। अभी फ़िलहाल ये ट्रैप एरिया में मार्केट घूम रहा है, तो इसमें कोई बड़ा लॉन्ग पोजीशन आप नहीं बना सकते हैं। मार्केट यहाँ पे दिख रहा था, देखिए यहाँ पे दिख रहा था सेलर लोग हाथ में, अब यहाँ पे इस कैंडल में आपको दिख रहा है कि इसमें बायर है, बायर अभी है। तो देखिए ये सब का अब एसएल होगा, ये जितने भी लोग इसको नीचे लाने की कोशिश की अब सबका एसएल जाएगा,
इसीलिए प्रॉपर वर्क कहाँ पे कैसे ट्रेड करना, ये सारे चीज़ों को साइकोलॉजी के साथ, क्योंकि हो सकता है ये सबका एसएल जाएगा, क्योंकि सबका एसएल इसी के आसपास होगा तो सबका एसएल चला जाएगा। तो इसलिए जब तक इसके ऊपर हम लोगों को क्लोजिंग नहीं मिलेगा तब तक हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे। पुट में हमने एंट्री तय करके रखे हैं कि इसके नीचे अगर कन्फर्म बियर होंगे तो 20187 के नीचे, तो फिर हम लोग यहाँ से पुट में एंट्री बनाएंगे। अभी तक ये पुट वाले का भी जितने भी सेलर है सबका एसएल नहीं गया है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक किसी का एसएल गया नहीं है। एसएल तब जाएगा जब इस कैंडल को ब्रेक करेगा, इससे पहले किसी का एसएल नहीं जाएगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या एक्चुअल में सेलर है या नहीं है। इस कैंडल में दिख रहा है कि बायर है, इस कैंडल में दिख रहा है कि सेलर है, तो ये बीच में साइडवेज होते हुए दिख रहा है मार्केट। ये मार्केट अब साइडवेज हो रहा है, ये मार्केट अब मूव नहीं आएगा जब तक कि दोनों साइड अच्छा खासा सेलर एंड बायर, कॉल राइटर और पुट राइटर एंट्री नहीं होंगे तब तक अच्छा सा मूव आउट नहीं मिलेगा। अब ये मार्केट साइडवेज होते हुए जा रहा है। अब यहाँ पे दिखेगा किसी कैंडल में कॉल आ भी है, किसी कैंडल में बुला भी है, तो हम लोग इंतज़ार करेंगे। साथियों अपने को यहाँ पे कॉल में एंट्री मिल गया, हम क्योंकि इंतज़ार कर रहे थे, बोल रहे थे ना इंतज़ार कर रहे थे कि भाई इसके ऊपर मार्केट जाए, उसके बाद फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बायर हावी है या नहीं। और यहाँ पे मुख्य रूप से अपने को एंट्री मिल गया, ठीक है। तो 20200 का कॉल में 180 के आसपास एंट्री मिला है, तो देख लेते हैं 180 के आसपास अपना एंट्री हो चुका है। तो वेट करते हैं, क्योंकि थोड़ा ऊपर जा कर के एंट्री मिला, काफ़ी थोड़ा सा लेट लिया, लेकिन अब वेट करते हैं कि ये बहुत अच्छा यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कहाँ तक जाता है मार्केट, थोड़ा सा प्राइस का भी हम देख लेते हैं कि प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है अभी। तो 180 पे अपना एंट्री अभी 20 पॉइंट के आसपास मिल रहा है, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है। और यहाँ से भी मार्केट जाएगा 20 पॉइंट के आसपास मिल रहा है, ठीक है। तो ट्रेल करना सीखते हैं, ट्रेल करना सीखना है, बिना ट्रेल किए हुए नहीं जाना है। 202 तो बहुत अच्छा मूव कर रहा है मार्केट यहाँ से, क्योंकि हम बोल रहे थे 180 के ऊपर अपना एंट्री बनाए, क्योंकि क्लोजिंग के बाद अपने एंट्री मिला है और ये मार्केट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक 20 26 पॉइंट 27 पॉइंट 28 पॉइंट अभी तक 28 पॉइंट मिल चुका है, और देखते हैं कितना पॉइंट मिलता है। अभी तक 28 पॉइंट के आसपास तक मार्केट गया है, और अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस 200 के नहीं 200 अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे सब लोग 200 के स्टॉप लॉस। अगर मार्केट 200 के नीचे आता है तो स्टॉप लॉस चलो हो गया, एग्जिट 200 पे अपना एग्जिट हुआ है, और तकरीबन 20 पॉइंट के आसपास अपना यहाँ पे कैप्चा हुआ, 20 पॉइंट के आसपास अपना यहाँ पे कैप्चा हुआ। क्योंकि अब मार्केट फिर से, क्योंकि आज के दिन में प्राइस यहाँ पे टिके होगा, तो 200 का अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मिला है, तो सुबह सुबह 1001 लॉट में प्रॉफिट हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। अब वेट करते हैं फिर से जैसा मूव होगा फिर देखा जाएगा, तब तक हम लोग चार्ट को देखते हैं, चार्ट भी देख लीजिए अच्छा है। अब मान लीजिए मार्केट अगर कोई ज़्यादा रिस्क लेकर के अगर खेलना चाहता है, जिसको ज़्यादा रिस्क की ज़रूरत है, अब ज़्यादा रिस्क लेना है, वही लोग अब ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और 20 पॉइंट मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा एंट्री कब बनाएंगे जब इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा। तो मार्केट मुख्य हो गया बुलिश, एंड अगर आपको लॉन्ग ट्रेड चलना है, लॉन्ग पोजीशन बनाना है, लंबा पोजीशन बनाना है, तो आप अपना स्टॉप लॉस 20237 के नीचे ला करके आप यहां से लंबा स्टॉप लॉस बना सकते हैं, मतलब लंबा तरीके से चल सकते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। एंड जैसे इस कैंडल का हाई को ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे ले आना, 20243 के नीचे, ठीक है। एंड इसके बाद आप यहां से चलेंगे, ठीक है। अगर इस कैंडल को ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको यहां पे थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा लंबा अभी भी मार्केट चल रहा है, ट्रेड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट एकदम बुल के हाथ में है। अगर आपको रिक्स लेना है तो एकदम बेहतरीन है, आराम से आप वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। अब यहाँ पे दिख रहा है, इस कैंडल में भी दिख रहा है कि अभी भी बायर है, तो काफ़ी अच्छा मार्केट का मूव है। अब देख लीजिए बहुत अच्छा मार्केट का मूव फिर से इस हाई के आसपास है, तो इस हाई को अगर ब्रेक करता है तो ठीक है, चलो हाई को ब्रेक करते हुए, हाँ चलो हाई के ब्रेक कर दिया, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि आप अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लेकर के आ जाना, 243 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लेकर के आ जाना।
एंड उसके बाद आप वेट करते चलते रहो, और जितना जिसको चाहिए उस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बुक करो। फिर से हमें एंट्री, हम लोगों ने फिर से कॉल में एक बार एंट्री बनाया है, दोबारा एक बार कॉल में एंट्री बनाएंगे। और दोबारा एंट्री कब बनाएंगे, जब इसके ऊपर मार्केट निकलेगा 208 के ऊपर, अगर इसका प्राइस होता तो 209 पे इसको जो है सो फिर से दोबारा एंट्री बनाते हैं। 209 के आसपास इसको फिर से एंट्री बनाएंगे, 209 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो 209 के ऊपर एक बार फिर से एंट्री बनाएंगे, और अपना स्टॉप लॉस इस बार जो होगा वो 193 के आसपास, 92 के आसपास होगा। लेकिन पहले मार्केट को ब्रेक करने दो, इसके ऊपर जाने दो, अगर नहीं जाता है प्राइस तो एंट्री नहीं बनाना है, ठीक है। दोबारा एंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि अपना 200 के आसपास एग्जिट हुआ, तो देखो मार्केट 200 के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट तो जा रहा है लेकिन प्राइस को भी जाना चाहिए, ठीक है। प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो फिर एंट्री बनाना, एंड उसके बाद अब लॉन्ग पोजीशन के लिए चलना है, क्योंकि मॉर्निंग प्रॉफिट हुआ एंड उसके बाद अब लॉन्ग पोजीशन के लिए चलना है। एक लॉट में 1,000 कम प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। एंड उसके बाद अब लॉन्ग पोजीशन के लिए कब चलना, जब इसको ब्रेक करता है एंड इसको ब्रेक करता है, तो फिर आप लॉन्ग पोजीशन के लिए एक ट्रेड आप लेकर के लॉन्ग पोजीशन के लिए चल सकते हो, और वो लंबा तक आप ले जा सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, मार्केट जा रहा है ऊपर की। अब तो दिख रहा है कि क्लोजिंग मिल जाएगी, है ना, अब लग रहा है कि यहाँ से क्लोजिंग मिल सकती है। देखते हैं प्राइस में जा कर के क्या हुआ, प्राइस बढ़ा या। देखो अब कॉल में एंट्री तो मिल गई है ना, कॉल में एंट्री मिल गई अपना, कॉल में एंट्री मिल गई है, ठीक है। अब कॉल में एंट्री मिल गई, अपना स्टॉप लॉस देखो कहाँ, अपना स्टॉप लॉस क्या है, 169.78, यानी कि 169 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर मार्केट 169 के पास अगर नीचे आ जाता है तो फिर अपना स्टॉप लॉस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। 169 का अपना स्टॉप लॉस है, और अपना यहाँ पे ट्रिगर प्राइस हम डाल के रखे हुए थे 174 प्लस, ठीक है। तो 174 प्लस से लेकर के अभी 176-177 के आसपास तक ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से स्टॉप लॉस भी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर लेते हैं। 169 के अगर नीचे आ जाता है तो स्टॉप लॉस यहाँ से जाएगा, और नज़दीक तो है, देखते हैं क्या स्टॉप लॉस जाता है या नहीं जाता है, देख लेते थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं।